आज हम बात करने वाले हैं काला जीरा धान के बारे में। और आपका स्वागत है रजवाड़े फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं कैलाश। तो काला जीरा धान 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और बहुत सुगंधित धान है। यदि किसान भाइयों आप यह खेती करना चाहते हैं काला जीरा का, तो मेरे से ले सकते हैं। आपको इसके ना स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा आपके घर तक, और ट्रैकिंग आईडी भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा मेरे तरफ से। जो भी पार्सल का चार्ज होगा आपको देना पड़ेगा। और मेरा पता है, और मैं हूँ कैलाश, और मेरा पता है कुदरिया पर भड़गांव जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। यदि किसान भाइयों आपको यह बीज चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर नोट कीजिए 777-2928-403, और स्क्रीन पर ही डिस्प्ले करा दूंगा। आप चाहे इंडिया किसी कोण भी रहते हो, आपको यह बीज पहुंचा दिया जाएगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। और यह धान खाने बहुत सुगंधित है, और इसमें बीमारी भी ज़्यादा नहीं आती है। धान में खास बात यह है, और सुगंधित तो है ही, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और मेरे घर में रखा है, धान भी रखा हूँ इस साल का, तो दिखाता हूँ धान को। और चावल मैं कुटवाए थे राइस मिल से, मैं उसको भी दिखाता हूँ चावल कैसा है और धान कैसा है। तो चलिए चलता हूँ अपने जो रखा हूँ वो धान, वहाँ दिखाता हूँ कि धान कैसा है। यदि चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट करना, बीज चाहिए वही कांटेक्ट करना। किसान भाइयों आपको धान की विशेषता के बारे में बात की जाए, मैं आपको बता दूं कि यह 3.5 से 4 फीट तक हाइट पार कर जाती है। इसमें ज़्यादा खाद देंगे, खाद पानी, तो ज़्यादा हाइट पकड़ती है धान, इसलिए आपको मीडियम खाद देने ज़रूरत है इसमें। और अधिकतर किसान भाइयों तो बहुत पानी बांध कर रखते हैं खेत में, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको हल्का नमी बनाए रखना चाहिए, जड़ के खेतों में हल्का पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से ना उतना परफॉर्मेंस नहीं करती है खेत में। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी अधिकतर नहीं देना चाहिए, और ना घना लगाना नहीं चाहिए, और खाद का हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। यदि ज़्यादा खाद मार देंगे तो हाइट 5 फीट पकड़ लेगा, 4.5-5 फीट पकड़ लेगा, जिससे बाली ना हवा चलती है तो गिर जाती है, इससे यह दिक्कत होती है। तो आप इसको खास ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को। और यदि आप भरोसा करके मेरे से ले रहे हैं तो मैं आपको सही बीज ही दूंगा, अब इतना भरोसा कीजिए। यदि लेना चाहते हैं तो, और नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लगाने की इच्छा रखते हैं तो लगा सकते हैं, मैं आपको बीज भेज दूंगा। ये देखिए काला जीरा धान है जो अपने घर में रखा हूँ। ये देखिए एकदम पतला धान है और सुगंधित है। ये देखिए एकदम काले काले धान। और इधर ले चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ, इधर भी देखिए, इस सभी बोरे में काला जीरा ही धान है। और आगे चलते हैं आप, ये देखिए इस सब बोरी में ही भरा है, इसमें भी। आप भी लगाइए किसान भाइयों, और इसको खाकर देखिए। और जो खाए लगा चुके होंगे, जो कभी खाए होंगे, वो जानते होंगे कि कैसा सुगंधित है, बहुत ही सुगंधित धान है। और फिर मैं चलिए, यदि आप किसान भाइयों इसकी खेत को देखना चाहते हो तो मैं और वीडियो बनाया हूँ पिछले साल, इसका ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर वहाँ भी देख सकते हैं इसका कि हाइट कैसा गया था धान का। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर वहाँ आप देख सकते हैं इस धान को कैसा हुआ था हाइट। तो चलिए मैं ले चलता हूँ, आप जहाँ चावल रखा हूँ वहाँ पर, जो राइस मिल से कुटाकर अब दिखाता हूँ अपने चावल को। अब ये देखिए चावल, ये देखिए चावल में कितना चमक है और सुगंधित है ही। और इसका चावल का भारी डिमांड रहता है, जब मार्केट में ले जाएंगे इस चावल को तो हाथों हाथ बिक जाती है, और बहुत महंगी चावल बिकती है। ये देखिए चावल, और खाने में तो सुगंधित है ही, और मार्केट में इसकी अच्छा पकड़ है, और स्वादिष्ट है और सुगंधित भी है।
यदि किसान भाइयों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या जानकारी मिला होगा तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।